इस कैमरे की दोस्तों मैं आपको खासियत ये बता देता हूँ कि ये जो है फुल्ली वाटरप्रूफ है और आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है एक मेमोरी कार्ड स्लॉट। यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड निकाल भी सकते हैं और मेमोरी कार्ड डाल भी सकते हैं। इसमें दोस्तों 1 महीने का जो है 32 GB का आप लगाकर 1 महीने तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये दोस्तों काफ़ी रीजनेबल प्राइस और बढ़िया क्वालिटी में आपको ये कैमरा मिल जाता है। पीछे साइड दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रीसेट बटन का और साथ में चार्जिंग स्लॉट का। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको चार्जर से कनेक्ट कर देते हो तो इसमें क्या होता है दोस्तों कनेक्टिविटी मिल जाती है, फिर आप इसको 24 घंटे चालू कर सकते हो। इसमें दोस्तों 3 एम्पियर का चार्जर लगाया जाता है, अगर आप उससे कम एम्पियर का लगाते हो तो ये स्टार्ट नहीं हो पाएगा। आपको एक स्पीकर देखने को मिल जाता है और नीचे भी आपको एक स्पीकर देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी HD क्वालिटी में दोस्तों आता है ये कैमरा। ये कैमरा दोस्तों फुली चार्ज लेस है और ये वायरलेस कैमरा है दोस्तों। ये एक तरह से वाईफाई कैमरा हम इसको कह सकते हैं। बिल्कुल एक बार आप इसमें इन्वेस्ट कर दोगे फिर आपको दोस्तों 4-5 साल इसको आराम से चला सकते हो काफ़ी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैमरे को स्टार्ट कैसे करना है, फिर मैं आपको बताऊँगा इसको इंस्टॉल कैसे करना होगा कैमरे को। इसको इंस्टॉल करना काफ़ी ईजी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसको दोस्तों कैमरे को इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों जैसे कि आपने देखा था कि एक मैनुअल आपको मिलेगा, आपको उसको निकाल लेना है, फिर आपको अपने फ़ोन के स्कैनर में जाना है, फिर आपको स्कैन करना होगा जैसे कि आपने देखा होगा। अभी स्कैन करने के बाद ही दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा गो टू वेबसाइट का। गो टू वेबसाइट पे दोस्तों जैसे ही आप जाओगे तो वेबसाइट दोस्तों ओपन होने के बाद ही आप देखोगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको 360i का। तो इसको आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं आपको, एंड्रॉयड गूगल स्टोर, एंड्रॉयड लोकल डाउनलोड। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एंड्रॉयड लोकल डाउनलोड का, यहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, मैं ये एप्लीकेशन मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखी हुई थी। तो आपको जाना है उस एप्लीकेशन में जिसका नाम है 360i। तो जैसे ही दोस्तों इस एप्लीकेशन को आप ओपन कर लेते हो तो यहाँ पे सामने आप देखोगे कि सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिलने वाला है आपको प्लस का साइन का। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक कर लोगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलने वाले हैं, न्यू डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन और एक ऑप्शन मिलेगा न्यू एड नेटवर्क डिवाइस। तो आपको दोस्तों सिलेक्ट करना है ऐड नेटवर्क डिवाइस। जैसे ही आप इसको ओपन कर लेते हो तो यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन मिलने वाला है आपको, प्लीज़ एंटर डिवाइस आईडी। अगर आपको डिवाइस आईडी इसमें दी हुई है तो आप देख सकते हो, नहीं तो फिर दोस्तों आपको एक QR कोड मिलेगा कैमरे के नीचे, तो उसको आपको स्कैन कर लेना है। जैसे ही दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये दोस्तों होती है ये आईडी होती है, अगर आपके मैनुअल में लिखी हुई है तो ठीक है, नहीं तो आपके यहाँ पे कैमरे में दोस्तों एक कोड होता है, इसको आपको जैसे ही स्कैन कर लोगे तो अपने आप देखोगे आप ऑटोमेटिक इसमें डिवाइस आईडी जा चुकी है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड टू द लिस्ट। फिर जैसे ही आप दोस्तों इसको ऐड कर लेते हो तो इस कैमरे की एंट्री आपके स्मार्टफोन में हो जाती है। फिर आपको जैसे ही ऑप्शन मिलने वाला है तो यहाँ पे प्ले का ऑप्शन आएगा दोस्तों, जैसे आप इस पर क्लिक कर लेते हो तो हाँ यहाँ पे आपको नो कर देना है। फिर आप देख सकते हो कि आपका कैमरा जो है स्टार्ट हो चुका है। तो इसको दोस्तों आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो, इधर उधर जहाँ भी आपको ले जाना चाहते हो। इसमें काफ़ी सारी सेटिंग आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यहाँ पे चालू है। अगर ये रिकॉर्डिंग दोस्तों अगर ये रेड कलर का आपको नहीं दिखाई देता है इसका मतलब रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। काफ़ी सारे यहाँ पे दोस्तों हमको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे स्क्रीनशॉट, अभी आपके फ़ोन का जो है मतलब कैमरे का स्क्रीनशॉट हो चुका है। फिर यहाँ पर दोस्तों एक बढ़िया चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो है दोस्तों एक ऑप्शन मिलने वाला है दोस्तों होल्ड टू टॉक का। तो यहाँ पे आप कुछ भी बोलना चाहो तो बोल सकते हो, अगर म्यूट करना चाहो तो म्यूट भी कर सकते हो। दोस्तों काफ़ी सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं इसमें। तो अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि इस कैमरे को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। इसको इंस्टॉल करना काफ़ी ईजी है, मैं आपको बता देता हूँ पूरी डिटेल। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर एक मैंने बोर्ड लगाया हुआ है और साथ में इसका जो पीछे का अडैप्टर होता है रोकने वाला, वो स्टैंड
कह सकते हो आप। तो यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये मैंने इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पे आपको लगाना होगा ये। उसके बाद यहाँ पे एक मैंने बोर्ड दिया हुआ है ताकि यहाँ पे कनेक्टिविटी आ सके इलेक्ट्रिसिटी की। फिर यहाँ पे चार्जर लगाना पड़ेगा इसका, फिर आपका ये रेडी हो जाएगा।